हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का एक और फैंटेसी प्रीव्यू में मुकाबला यहां पे साउथ अफ्रीका बनाम इंग्लैंड ये खेला जाएगा द वन स्टेडियम यही हमारी नगरिया में खेला जाएगा ये गेम बॉम्बे में होगा ये मुकाबला एंड विन प्रशन है साउथ अफ्रीका इस गेम के हमारे दोनों टीम्स के बीच में कांटे की टक्कर होगी एंड आई थिंक विल बी वन ऑफ द बेस्ट गेम्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप आई थिंक साउथ अफ्रीका जिस अब दोनों ये दोनों टीम माइनस से भी हार के आए ये एक और सिमिलैरिटी यहाँ पे बनेगी बट आई थिंक साउथ अफ्रीका का मुझे स्लो काफी बेटर लगा है इन टर्म्स ऑफ द वेटेड एंड जिस तरीके की डोमिनेशन थी उनके इवन विध ऑस्ट्रेलिया जैसे उन्होंने खेला आई थिंक साउथ अफ्रीका स्लाइड फेवरेट यहाँ पे इनश्योर आप सब गेवे में पार्टिसिपेट कर लेर इलेवन एंड रिमेम्बर टू हिट द लाइक बटन सपोर्ट जरूर करेगा हमें and win टेलीग्राम एंड ट्विटर पे जरूर जुड़ेगा वहां पे आपको मिल जाएगी so like आप बहुत बहुत में, में से बहुत लोग होंगे बट आपकी जो बेल आइकन है वो ऑन नहीं होगी तो व्हेन यू गो डाउन टू द नोटिफिकेशन बार यहीं पे नीचे आपको वो बेल की ऑप्शन में ऑल का ऑप्शन मिल जाएगा तो ऑल आप जैसे क्लिक करेंगे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएंगी तो इंश्योर आपको अभी के अभी कर लीजिएगा वेदर रिपोर्ट बहुत गर्मी है यहाँ पे एंड हाई लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी तो प्लेयर्स के लिए आसान नहीं होगा विद कंडीशंस बट मोस्ट ऑफ इंडिया ऐसा ही रहता है तो यही एक्सपेक्ट करेंगे बात no एक no की, की जाए तो यहाँ पे जो जनरली पिचेस होती हैं अच्छी होती है बैटिंग बट हमने देखा है कि ज्यादातर यहाँ पे पेस को भी हेल्प मिलती है तो हम अगर आपको याद है थोड़ा आप अपने माइंड में रिवाइंड करें तो जो एक ओडीआई हुई थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जहां पे केएल ने बाद में इनिंग्स को संभाली थी बट उस गेम में एक काफी बड़ा कोलैप्स हुआ था तो आई थिंक उस बात का ध्यान रखिएगा कि पेस यहाँ पे बिल्कुल गेम में बन सकता है उस गेम में आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग म्यूचुअल इन द गेम उसके अलावा अगर ये कहते हैं फ्लैट ट्रैक है तो बाउंड्री डायमेंशन जैसे चिन्न स्वामी की छोटी बाउंड्रीज है वैसे ही यहाँ पे छोटी बाउंड्रीज है तो बहुत सारे रन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो की की तो साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो ये है 11, एक जो चेंज हो सकता है इफ दे वांट टू ब्रिंग इन अ रिस्क इनर तो उस केस में महाराज बाहर जा सकते हैं बट महाराज ने भी बहुत अच्छी बोलिंग की है सो आई डोंट थिंक कि वो चांस लेंगे वो श्यामजी बहुत समय एरेटिक रह सकते हैं विथ इंग्लैंड जो मेन चेंज होगा

टीम साउथ अफ्रीका की तरफ वहां पे पहले प्लेयर मान ले क्विंटन डिकॉक ये बहुत खेल चुके हैं इस ग्राउंड पे पहले मुंबई इंडियंस के भी खेले हैं एंड जिस टाइप का ट्रू बाउंस है इस ट्रैक पे, वो इनकी बैटिंग बिल्कुल सूट करेगी यहाँ पे प्लस विकेट कीपिंग वैल्यू भी है इनके साथ वन ऑफ द टॉप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइसिस फॉर दिस गेम टेम्बा बबूमा इनको एक ही चीज रिसीव कर सकती है यहाँ पे वो है जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस होता है यहाँ पे एट द स्टार्ट होती है इनिंग क्योंकि ओपनिंग करेंगे से कौन आएंगे बोलिंग के लिए री स्टॉपली जिनको और भी स्टीप बाउंस मिलता है so, we'll उस उसके अलावा फॉर्म ठीक ठाक रहा है इनका कुछ खास नहीं किया अब तक सो so, एकदम एक फिफ्टी फिफ्टी पिक रहेंगे अभी के लिए रास्ते जिस टाइप के प्लेयर है एंड जितना इन्हें स्क्वायर प्ले करना पसंद आता है वो इस ग्राउंड पे काफी सूट कर सकता है एस जो स्क्र बाउंड्रीज है काफी शॉर्ट है नॉट लाइक स्ट्रेट कुछ खास लंबी है बट आई थिंक इनका प्ले इस ग्राउंड को बिल्कुल सूट करना चाहिए एडन क्लास प्लेयर है एंड अब तक हमने नहीं देखी इनकी बोलिंग नहीं पड़ी है अब इंग्लैंड है इस ग्राउंड में तो मे भी इस गेम में जरूरत पड़ जाए विद द बॉल भी तो आई थिंक ये भी एक अच्छे प्लेयर है एंड बिल्कुल मेरी बेस्ट टीम में ये भी जगह ढूंढ लेंगे वन ऑफ अदर टॉप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइसिस ऑनड्रिक क्लास जो ब्रैकेट में आते हैं रेसिव एंड डसन उसी तरीके से ये भी बहुत अच्छा खेलते हैं डाउन द ग्राउंड स्क्वायर शॉट्स इनके बहुत अच्छे हैं तो ये ऐसा गेम है जैसे वो डेली, अन, डेली वाला गेम था साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका जहां पे हम ड्रॉप नहीं कर रहा, कर पा रहे थे कोई भी बैटर ये उस तरीके का गेम होगा जहाँ पे आई थिंक बैटर्स को आपको ड्रॉप करने में बहुत मुश्किल हो सकती है एक जो इनकी वीकनेस है इस गेम में कैन बी एक्टिव इज इन फ्रंट ऑफ मार्क वुड आप देख सकते हो उनका स्ट्राइक रेट कुछ खास नहीं है

यहाँ पे कुछ टॉप प्राइजेस हैं एंड यहाँ पे आप कमीशन भी बचा लोगे अपनी स्मॉल लीग पे तो इंश्योर आप अभी की अभी ज्वाइन कर लो माई मास्टर 11 ऐप ऐप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रैंड लीग का भी लीडरबोर्ड चला रहे हैं तो अगर आपको ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है बट फिर भी टॉप प्राइजेस ले जाने हैं तो मत मिस करेगा ये बोर्ड चलते हैं डेविड मिलर की तरफ वापस इनकी जो बैटिंग है इस टाइप के ग्राउंड को बिल्कुल सूट करनी चाहिए इनके साथ जो वही यूजुअल प्रॉब्लम रहती है कि बहुत लो आते हैं तो बैटिंग अपॉर्चुनिटीज कितनी मिलेगी वो एक क्वेश्चन मार्क है बट अगर ये आदिल रशीद के सामने आ गए तो फिर ये बिल्कुल वहां पे कैपिटलाइज कर सकते हैं प्लस हमें पता है कि इंग्लैंड विद डेथ बोलिंग इज ऑलवेज अ कंसर्न एज मार्क वुड ने ओडीएस खेले नहीं ऑफलेट एंड साथ साथ में क्रिस वोक्स का फॉर्म भी एक रेड फ्लैग रहा है सेम फॉर सैम करन माको यन अब ये ऐसे प्लेयर हैं मतलब जो मुझे डिसीव कर चुके हैं अंडर लाइट्स इन्हें जितनी हेल्प मिली है खुद ही ढूंढी ऐसा नहीं कि पिच में कुछ खास अप एंड डाउन था बट अंडर लाइट्स ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस बोलिंग कर रहे हैं गेम आफ्टर गेम तो उस बात के लिए वॉच आउट करेगा एंड बेस्ट टीम में ये जगह तो ढूंढ ही लेंगे बिकॉज विद द बैट एंड विद बॉल ओवरऑल वैल्यू आपकी काफी अच्छी बन जाती है एंड ये डालिंग इन फ्रंट ऑफ जॉनी बेस्टो जो वैसे भी अच्छे खासे रिस्क लेते हैं तो या तो ये मार खा जाएंगे या तो वो उनकी विकेट ले जाएंगे कगीज और अबाडा आई थिंक ऑफ लेट इन्होंने फॉर्म ढूंढ लिया है एंड जिस तरीके का बाउंस होता है वानखड़े की ट्रैक पे वो इन्हें बिल्कुल सूट करना चाहिए आई रिमेंबर कि मैं एक, जब ये दिल्ली डेड या अब कहते हैं दिल्ली कैपिटल्स उस उनके एक गेम पे गया था जहाँ पे मैं देख रहा था इन्हें जो बाउंस मिल रहा था फ्रॉम द मिडिल सेंटर पार्ट ऑफ द पिच वो कोई और बॉलर को नहीं मिला तो आई थिंक इनकी जो बॉलिंग है उस ट्रैक को बिल्कुल सूट करनी चाहिए सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि जब आपको अच्छा बाउंस मिलता है सामने आपके इंग्लैंड जैसी टीम है जो अच्छा पुल करती है अच्छा हुक करती है तो वहां पे आप रन भी खा सकते हो तो वो एक फैक्टर है बट आई थिंक जिस तरीके की फॉर्म में आप बिल्कुल चांस नहीं लेना चाहोगे जराइल कुर्डजिया इनके साथ मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ फर्स्ट गेम से एंड जो मैंने ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की प्रोव्यूस की थी ये बहुत सारे रन्स देते हैं बहुत एरेटिक है बट साथ में विकेट भी बहुत सारे लेते हैं स्पेशली मैंने देखा है कि ये काफी बार आके विकेट्स ले जाते हैं तो सेकेंड बोलिंग में, में काफी सारे ऑप्शन होंगे तो विल नॉट डेफिनेटली लुंगी एंड चेंज एंड आज इन्होंने रिसेंट में ये भी दिखाया कि ये स्टार्टिंग में भी हेल्प ढूंढ सकते हैं फ्रॉम द ट्रैक हमने देखा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द सेकेंड उन्होंने जिस तरीके की बॉलिंग की बट वही तकलीफ है कि यहाँ पे इस तरीके का पिच है जहां पे बोलर्स को मुश्किल से एक दो विकेट्स निकालने का मौका मिलेगा बट बैटर्स विल विल टोटली क्रूज बिकम लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्ट कॉल मे बी फर्स्ट लिटल में डेफिनेटली ले लूंगा शामजी तब्रेश स्पिनर है आई नो इनका डेटा नहीं कहता बट सेकंड इनिंग्स में ये मेरे हिसाब से ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं इवन जो मैंने टी ट्वेंटी देखा है एज अंडर प्रेशर ये विकेट ज्यादा लेते हैं केशव महाराज मोर ऑफ अ डिफेंसिव बोलर बट बहुत शार्प हैं जिस तरीके की लाइन एंड लेंथ डालते हैं ये एंड वापस यही इनके साथ केस होगा कि सेकेंड इनिंग्स में मेरे हिसाब से ये ज्यादा डेंजरस बन जाते हैं तो तब बिल्कुल ट्राई कर सकते हो अब चलते हैं टीम इंग्लैंड की तरफ पहले प्लेयर यहाँ से होंगे जॉनी आप देख रहे हो पे रिस्क मीटर पूरी तरीके से फुल है एज एजे कोई भी मौका नहीं छोड़ते शॉर्ट मारने का मैं यही बात एक्सपेक्ट करूंगा इनके साथ ये गेम में भी सो विल बी ट्रिकी फ्रॉम दैट परसपेक्टिव बट जिस तरीके की पिच है जैसे मैंने कहा इनको छोड़ना खतरे से खाली नहीं होगा डेविड मलान आई थिंक वन मोर गुड कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी जिस तरीके की बैटिंग करते हैं ये आपको फैंटेसी के हिसाब से काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाता है ये अपना समय लेके खेलते हैं एंड ज्यादा हाई रिस्क शॉट्स नहीं खेलते हैं तो वो चीज आपके फेवर में चल सकती है तो अनलिस्ट सामने वाला बोलर एक जैफर डाल दे जो आके या तो एच या एल बी बोल्ड कर जाए तो अलग बात है बट रैश शॉर्ट्स तो आप इनसे कम देखोगे फिर चले जो रूट की तरफ एन अदर प्लेयर इन द सेम कैटेगरी आई थिंक काफी लो रिस्क बैटर है अपना समय लेकर खेलते हैं गुड कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस एंड क्या पता क्विडन टिकॉक के सामने इनकाउ स्पिन भी यूज किया जाए अगर मोइन अली यहाँ पे नहीं खेल रहे सो इंटरेस्टिंग पिकली बेस्ट टीम में इन, इन्हें भी जगह मिल जाएगी चलते हैं अगले प्लेयर की तरफ बेन स्टोक्स बहुत हाई रिस्क खेलते हैं एट द स्टार्ट ऑफ इज इनिंग्स बट अब पता नहीं इनकी फिटनेस कितनी है इन्हें किस तरीके का रोल मिलेगा इन दीम बट आएंगे तो यही नंबर पर आएंगे एंड वही कंसर्न रहेगा कि जिस तरीके की बैटिंग करते हैं कभी कभार अपना विकेट जल्दी दे जाते हैं तो हेंस आई वेट एंड एंड वॉच ऑन ऑन पिक बेस्ड द द टॉस अब चलते हैं अगले प्लेयर की तरफ यहाँ पे हैरी ब्रुक आई थिंक हैरी ब्रुक वापस यहाँ पे खेलना बहुत अनलाइकली है जिस तरीके का फॉर्म है अगर खेलेंगे भी तो मेरे बेस टीम में इन्हें जगह नहीं मिल पाएगी जॉस पाटलर डेफिनेटली इन माई टीम डेफिनेटली अ गुड कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस क्योंकि यहाँ पे इनको बैटिंग भी पसंद आनी चाहिए साथ साथ में जिस तरीके का ऑपोजिशन है उनके सामने भी इनके नंबर्स काफी अच्छे हैं प्लस आपको मिल जाएगी विकेट कीपिंग वैल्यू सो नॉट टू मच टू थिंक अबाउट विद जॉस बटलर लियम लिविंगस्टन कुछ खास नहीं कर पाए ये एंड प्लस प्रॉब्लम क्या है कि इनकी जो बैटिंग नंबर है काफी रिस्क इन्हें लेना पड़ता है जब तक ये आ जाते हैं कुछ खास मिलेगा नहीं बट इनके इन, इस टाइप के प्लेयर के साथ यही प्रॉब्लम है क्योंकि दस ओवर करेंगे एंड सेवन या एट डाउन बैटिंग करेंगे तो फैंटेसी वैल्यू के हिसाब से छोड़ना इन्हें रिस्की बन जाता है एस कभी कभार ऐसे प्लेयर आके फर्स्ट इनिंग्स में डेथ टिकेट अगर लेके जाएंगे तो फिर वो कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्रिस बोक्स आई डोंट थिंक मेरी टीम में रहेंगे कुछ खास हेल्प नहीं मिल रही इन्हें इंडियन ट्रैक से तो अगर आपको कल अगर सुनाई दे एट द पिच रिपोर्ट की बहुत सारी लाइव ग्रास है तो इन्हें टीम में रख लेना आई आई डोंट थिंक बी हिम आदिल रशीद बोलिंग सेकंड डेफिनेटली वर्थ कंसिडरिंग बट यहाँ पे ड्यू फैक्टर कितना प्ले करेगा दैट विल बी अ की रोल इन डिसाइडिंग दैट ऑल्सो तो अभी के लिए नॉट इन द देश टीम क्योंकि बहुत सारे हमारे पास बैटिंग ऑप्शन है जो एकदम हाई क्वालिटी है एंड की पिच भी बैटिंग के लिए जानी जाती है डेफिनेटली इन द टीम कुछ बाउंस भी मिलेगा फ्रॉम द ट्रैक साथ साथ में इनकी फॉर्म भी अच्छी है एंड सामने वाले जो बैटर्स हैं उनके भी कुछ कंसर्न्स हो सकते हैं इनके सामने सो ही बी गुड इन बोथ फेजेस एंड डेफिनेटली मेरी टीम में ये जगह पा लेंगे मार्क वुड वेट एंड वॉच पिक फॉर नाउ इनके साथ क्या ट्रिकी बात होगी इनकी इनका जिस तरीके का पेस है ये अगर सेवनटी फाइव एट्टी भी दे जाए अगर दो तीन विकेट ले लें तो आपका फैंटेसी टीम वही तमाम हो जाएगा ज्यादातर लोग इन्हें लेके आएंगे एटलीस्ट बेस्ड ऑन रेप्यूटेशन एंड मे बी नॉट बेस्ड ऑन नंबर्स बट मोर बेस्ड ऑन रेप्यूटेशन एंड जिस तरीके के प्लेयर है तो वो हिसाब से एक रिस्की ड्रॉप बन जाते हैं बट आई टेक अ कॉल पोस्ट द टॉस ऑन वॉट टू टू विद मार्क अली अनलाइकली टू प्ले खेलते हैं तो विद द बैट में बी यूजफुल बन जाए

वोक्स, पे आप देख रहे हो कि स्ट्राइक रेट का कंसर्न होगा अब एक जो चीज याद रखना ये टीम ज्यादातर मिली है तो इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका में जहाँ पे क्रिस वोक्स को कुछ हेल्प मिली है मे बी यहाँ पे हेल्प ना मिले सो नॉट टू मच टू रीड इंड से रासी वैंड वर्सिज सैम करेन बिल्कुल एक्टिवेट हो सकता है मैचअप अगर एक विकेट जल्दी जाए जल्दी आ जाए फॉर बैटिंग एंड यहाँ पे स्ट्राइक रेट थोड़ा एवरेज है

जो रूट एंड डेविड मलान आप दोनों को नहीं छोड़ोगे क्योंकि जिस तरीके की लो रिस्क बैटिंग करते हैं ये आपको छोड़ना तो फॉर्म, फॉर्म है तो मैं दोनों को नहीं छोड़ूंगा यहाँ से एक जो है यहाँ से वो सैम करिन कॉल ऑन एम पोस्ट द टॉस बोलिंग सेक्शन की बात की जाए तो कगीज और वाडा ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ क्यू मार्क वुड ऑल्सो

I don't think मुझ में है। वो हिम्मत है कि मैं उनपे फर्स्ट बॉलिंग में रिस्क लू बट के हवाले से बोल रहा हूँ ले लो तो ये है दिस इज माई थॉट ऑब्वियसली आपकी जो थॉट प्रोसेस है आप वो हिसाब से इस बात पे कॉल ले सकते हो रिमेम्बर टू वेट द लाइक बटन बिफोर वी डिस्कस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन तो ऑब्वियसली सेफ चॉइसेस तो बहुत सारे हैं इस गेम में बट आई थिंक क्योंकि ये इस तरीके का वेन्यू है जहां पे एडन माकरम की बोलिंग को यूज आई थिंक 99% करना ही पड़ेगा क्योंकि एक आध बोलर का खराब दिन जाना बहुत ही लाइकली है तो एडन विल बी माय कैप्टन एंड वाइस कैप्टन आई मुझे कॉन्फिडेंस मिल रहा है जॉस पटलर से क्योंकि क्विंटन के साथ कुछ मैचअप भी है, अप and while का मैच अप है एक मिडल ओवर में रबार्डा इतना नहीं यूज होते मिडल ओवर्स में तो अगर वो एक दो ओवर उन्होंने निकाल के खेल लिया हैव गुड चांस टू स्कोर सम रन इन द तो हमें अभी के लिए जा रहा हूँ विदलर दिस कैन चेंज पोस्ट रिमेम्बर टू यूज द फ्री कॉन्टेस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है आप जैसे साइनअप कर लोगे आप ज्वाइन कर पाओगे वो फ्री कॉन्टेस्ट तो अभी के अभी ज्वाइन कर लो एंड ये है अभी के लिए हमारी टीम यहाँ पे दो और कीपर्स ऐड होना लाइकली है वो हम डिस्कस कर लेंगे पोस्ट द टॉस आप चलते हैं ग्रैंड लीग ऑप्शन की ग्रैंडलीग ऑप्शंस की बात की जाए लो सिलेक्ट डारकोस्ुंग एंडियन ऑनरिक्लासन दोनों का आपको एक्सप्लेनेशन भी बता चुका हूं प्लेयर वन पेजेस में अभी जाके देख लो ग्रैंडलीग कैप्टन वाइस कैप्टनसी ऑप्शन बैटिंग फर्स्ट बोलिंग सेकंड गैनसिन एंड वुड बैटिंग सेकंड बोलिंग फर्स्ट रबार्ड एंड टॉपली बोथ विल बी वेरी हैंडी इन द डेथ एंड इन बोथ सिचुएशन आपके साथ पास बहुत सारी पिक्चर्स गेम में करेंटली आम गोइंग विथ क्यूडी के बटलम आक्रम एंड रूट यहाँ पे आपके पास इस गेम में बहुत सारे क्वालिटी ऑप्शन है टर्म्स ऑफ कैप्टनसी ऑल्सो सो इजी गेम तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा इसे बट ये उस तरीके का गेम है जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा ग्रैंड लीग टीम्स बनानी चाहिए क्योंकि आपके पास जितने सारे रोटेशन ऑप्शन है यहाँ पे उसके साथ क्या हो जाता है कि इवन इफ वन ऑफ यूर बिग प्लेयर्स फेल दे चांस दैट वन ऑफ दी अदर स्मॉलर प्लेयर्स कैन कम एंड कवर इट अपर यू अगर अब, अब यहाँ पे आप रोटेशन सेक्शन में देखो यहाँ पे तो टेम्बा बबूमा हमें पता है कि टॉप थ्री ऑन फ्लैट पिच विल ऑलवेज बी इंपॉर्टेंट अगर आप कोलैप सिनेरियो बना रहे हो तो डेविड कहा इन टाइप की प्लेयर्स रहेगी फॉर्म खराब उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाएगी लियम लिविंगस्टन एंड सजो स्मॉल केशव महाराज वेन बोलिंग सेकेंड जराइल्ड बोलिंग सेकेंड तो इन प्लेयर्स को बिल्कुल ट्राई करना है अलॉन्ग विद ऑल द कीपर्स अब चलते हैं हमारी एक्सचेंज ओपिन री स्टॉपलीट पिक बोलिंग फर्स्ट और बोलिंग सेकेंड एट फोर्टी सेवन आदिल रशीदी 44 लुकिंग लाइक गुड पिक्स उसके अलावा मुझे कुछ कीपिंग वैल्यू भी उनसे मिल सकती है साउथ अफ्रीका की तरफ चले तो यहाँ पे पिक्स थोड़ी और ट्रिकी बन जाती है बट एडिन माक्रम इन बोथ सिनारियज लुंगी एंडीड़ी वेन बोलिंग फर्स्ट केशव महाराज वेन बोलिंग सेकंड लुकिंग लाइक ऑल द वैल्यूबल पिक्सर फ्रॉम दिस सेक्शन